दोस्तों, क्या आपको भी पसंद है लंबे, घने, खूबसूरत बाल? आप भी चाहते हो आपके बाल ऐसे ही हो जाएं? तो आज की वीडियो खास तौर पे मैं आपके लिए ही लेके आई हूँ, इसको पूरा देखना। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा तरीका जिसको आप अपने बालों पे जब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, लंबे घने होने लगेंगे, और अगर आपको बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, झड़ते हैं, बाल बहुत ज़्यादा हल्के होने लगे हैं, तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको बनाना बड़ा ही आसान है और इसमें सारी चीज़ें हमने ऐसी यूज़ की हैं जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो इसको बनाओगे कैसे और क्या तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, कितने दिन इसको लगाना है, सारी चीजें मैं वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। होम रेमेडी बनाने के लिए आपको मीठे नीम के पत्ते चाहिए, यानी करी लीव्स। इनको आप धो लीजिए और इन्हें धूप में सुखा लीजिए, क्योंकि हमें सूखे पत्ते इस्तेमाल करने हैं। 4 स्टेम्प ले रही हूँ मैं, और इनको अच्छी तरीके से मैंने ड्राई कर लिया है धूप में रख के। एक ही दिन में ड्राई हो जाते हैं, फिर इनकी पत्तियों को आप निकाल लेंगे। करी पत्ते में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बालों का झड़ना भी रोकते हैं। तो इनके पत्ते हम सुखा लेंगे और फिर इनको यूज करेंगे। इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, मेथी 2 चम्मच। मेथी दाने में हाई अमाउंट में प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, जो बालों का झड़ना रोकने के साथ साथ बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो 2 चम्मच आपको मेथी के दाने लेने हैं। फिर आप इन पत्तों को और मेथी दाने को एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और पीस के इसका पाउडर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे इसीलिए सूखे पत्ते लिए हैं क्योंकि इस पाउडर को हम स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि हमें काफी लंबे टाइम तक इसको यूज करना है, तो बार बार बनाने का झंझट भी नहीं होगा। तो सूखे पत्ते इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाउडर बन जाएगा हमारा इस तरह का। फिर आप इसमें एक इंग्रेडिएंट और डाल दीजिए, आंवला पाउडर। 2 चम्मच आंवला पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट जार में स्टोर करके रख लें लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद आप इसे इस्तेमाल कैसे करोगे? आपको लेनी है आधी कटोरी थिक दही, या अपने बालों के हिसाब से लेंगे, और फिर इसमें 2 चम्मच ये पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा और आपकी ये DIY हो जाएगी तैयार लगाने के लिए। इसको लगाना कैसे है? इस होम रेमेडी को आप तेल लगे हुए बालों पे इस्तेमाल करोगे। पहले रात में ऑयलिंग कर लो, अच्छे से मसाज कर लो, उसके बाद आप इस होम रेमेडी को लगाइएगा। अगर आप डायरेक्टली सूखे बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में हो सकता है ये इंग्रेडिएंट फंसें, चिपकें। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑयल लगाने के बाद आप लगाओगे तो ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, निकालने में भी आसानी होगी। इसको पूरे बालों में लगाने के बाद आधे घंटे तक आप रखोगे, फिर पानी से धोओगे, फिर कोई भी हर्बल माइल्ड शैम्पू आपको करना है जो भी आपको पसंद हो वो कर लीजिए। और इस होम रेमेडी को हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं। अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो हफ्ते में 2 बार लगाएं अच्छे फायदे के लिए। बस इतना सा आपको करना है अगर आप चाहते हो आपके बाल खूबसूरत, लंबे, घने बने रहें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कौन कौन इसको यूज करने वाला है, और शेयर जरूर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take care.